नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर साहू, आप देख रहे हैं वन के बाद। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से जो उम्मीदवार है आगे नामांकन, आप अपने पूरा समर्थक साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले, हमको सवाल करते हैं, अपना पहले परिचय दीजिएगा। विनोद कुमार सिंह, आप किन मुद्दा पे चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं? हम गरीब को लिए पूंजीपति लोग भ्रष्टाचार करते हैं इंदिरा आवास में, और जितना रोड बनता है सब में गरीब को शोषण करता है, उसको लिए हम 6 वर्ष से समर्थ जनता को लिए 24 घंटा कर रहे हैं कि क्यों 25,000 रुपया घूस लिया जाता है, क्यों इंदिरा आवास में जैसे गरीब को शोषण किया जाता है, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। 6 साल से हम मेहनत आप कर रहे हैं, तो क्या मेहनत कर रहे हैं? क्या मेहनत, गरीब मेरे साथ है, गरीब ने कहा खड़ा है, रोटी कपड़ा और मकान हम लोग को मिलना है, आपके साथ है, पूंजीपति को भगाना है। कहाँ भगाएंगे पूंजीपति को? हम विकास के रास्ते पर जाएंगे। अच्छा, जब आप जीतेंगे तो पहला आपका क्या रहेगा कदम, आपका जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए क्या रहेगा? सबसे पहले इंदिरा आवास का भ्रष्टाचार हम निकालेंगे। इंदिरा आवास में 25,000 रुपया 30,000 गरीब से शोषण करता है, सबसे पहला मुद्दा है हमारा। वृद्धा पेंशन गरीब का मिलना चाहिए और इंदिरा आवास में 1 पैसा घूस नहीं लेना चाहिए। सड़क तो भूल जाएंगे, पहला मुद्दा है इंदिरा आवास गरीब का साथ शोषण होता है, 50,000 रुपया 25,000 रुपया 30,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया जाता है। विकास के लिए दुनिया के सारा काम मैं करूंगा। अपना नाम बताइएगा। नवीन कुमार सिंह। आप अपने जो आपका कैंडिडेट है उनको आप समर्थन देने क्यों आए हैं? समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि सच्चाई की हम लोग चल रहे हैं, हम लोग गरीब के साथ चलेंगे, जो गरीब का शोषण हो रहा है हम लोग शोषण को रोकने के लिए खड़ा किए हैं। आप बोल रहे कि हम सच्चाई के साथ चल रहा, जो यहाँ से उम्मीदवार थे या कोई भी यहाँ वहाँ थे वो क्या गलत रास्ते पे जा रहे हैं? गलत रास्ते पे जा रहे थे, लूटपाट रहे थे, लोगों का इंदिरा आवास सूची में नाम गायब कर रहे थे, इंदिरा आवास आते हुए उनसे कमीशन ले रहे थे। कितना कमीशन लेते थे? 10,000-20,000 जो भी हो कमीशन लेते थे, प्लस जिनके पास 4 मंजिल 5 मंजिल है उनको इंदिरा आवास मिलता है, जिनको इंदिरा आवास लेने की जरूरत उनके नाम से नहीं मिलता है, उनका काट दिया जाता है, नहीं मिलता है उनको काट दिया जाता है। इसीलिए हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, हम गरीब का शोषण को भगाने के लिए इन उम्मीदवार को खड़ा किए हैं कि गरीबी भगाएंगे, अपने वार्ड को सोने की चिड़िया बनाएंगे, सोने का माल बनाएंगे। हमारे वार्ड में बाहर से लोग आएंगे, सिंधिया नगर पंचायत में 10 वार्ड का विकास देख कर जनता खुश हो गई, वार्ड में क्या हुआ आज नहीं हुआ है, जनता को बताएगी कि मेरे वार्ड में कैसा काम होगा, हम करेंगे, दिखाएंगे जनता को। अगर हम नहीं करेंगे तो अगले 5 वर्ष में हमको वोट नहीं चाहिए, ये करके दिखाएंगे जनता। जनता ये भी तो बोल सकते हैं कि आप बोल रहे कि अगला 5 वर्ष में हमें वोट मत दीजिएगा, 5 वर्ष में आप इतना भ्रष्टाचार कर लेंगे तो दोबारा आप क्यों वोट देंगे? नहीं करेंगे तब ना वोट देंगे। अच्छा, करेंगे काम करके दिखाएंगे तभी तो वोट मिलेगा, काम नहीं करेंगे साहब कौन जनता हमें वोट देगी, वोट मिलेगा ही नहीं। उसके बाद विकास के मुद्दा पे हम लोग चलते हैं, सड़क जो है हमेशा जर्जर अवस्था में रहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर जी, सबसे पहले हमारे गली में सड़क बनी हुई है, नाला नहीं है, पानी निकासी नहीं हो पाता है, पहले नाली का हम लोग प्रयोजन किए हुए हैं, नाली का करेंगे। रोड जहाँ पे मरम्मत किया गया है, जहाँ टूट गई है, जहाँ पानी लगा हुआ है उसको दुरुस्त करेंगे, हम अपने गली को साफ सफाई में विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा, चेयरमैन का काम है, ये चेयरमैन करेंगे, यहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा, जो अपने यहाँ नहीं है उस चीज को हम लोग सिंधिया नगर पंचायत में लाएंगे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपका जो वोटर है आपके क्षेत्र में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश देना चाहते हैं यही कि हम लोग जो महंगाई भगाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, गरीबों का साथ देंगे, यही आश्वासन देंगे, वोट इसीलिए हम लोग मांगेंगे। आप बोल रहे थे कि 4 कट्ठा जमीन, क्या 4 कट्ठा जमीन? हम जीतेंगे तो 4 कट्ठा जमीन हिंदू पूरा सिंधिया पंचायत के लिए, पूरा नगर पंचायत के लिए 4 कट्ठा सिंधिया में श्मशान का लिए एक भी जगह नहीं है, मैं घोषणा करता हूँ, मैंने उनसे 4 कट्ठा जमीन हम घोषणा करता हूँ कि उसमें हम लिख देंगे। लिख देंगे जैसा कि अभी यहाँ जो उम्मीदवार
हमें ये बता रहे कि अपना पर्सनल निजी जमीन जो है चार खट्टा जमीन डेथ बॉडी होता है जो लाश होते हैं जलाने के लिए जगह नहीं होते हैं वो श्मशान घाट जो होते हैं वो भी हम बना के देंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, अभी के इतना ही। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि अपने वार्ड को और हम विकास करें तो इन कैंडिडेट यानी कि 10 नंबर वार्ड में वोट देके इन्हें विजयी बनाइए। धन्यवाद। Presenting One TV Bharat app latest updates available on Google Play and Play Store it now.